मधुबनी जिला मुख्यालय से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी जिला परिषद की बैठक कृपानंद झा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय शहीद भवन मधुबनी में आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य सचिव सह पूर्व विधायक राम नरेश पांडे ने कहा, देश की जनता महंगाई एवं बेरोजगारी की मार से परेशान है। केंद्र सरकार के गलत नीति के कारण बेबस लाचार जनता कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के शिकार हो योजना दम तोड़ रही है। प्रशासनिक अराजकता के साथ वर्तमान समय में आम लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। बिहार एवं केंद्र सरकार किसानों के साथ सौतेलापन का व्यवहार कर रही है। भाजपा के पूर्व सांसद भोगेंद्र झा की अगुवाई में बाढ़ सुखाड़ के स्थायी समाधान के लिए वर्षों पूर्व किए गए प्रयासों पर अमल किया गया होता तो पूरे उत्तर बिहार के लोगों को आज इन समस्याओं का सामना ही नहीं करना पड़ता। आज नगर बहुउद्देशीय हाई डैम का निर्माण हुआ होता तो मधुबनी सहित मिथिलांचल में सुखाड़ की स्थिति नहीं होती। यहाँ के लोगों को पलायन के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता।